तो यार नेक्स्ट पेपर है आपका सीए इंटर ऑडिट का, तो उसके लिए कुछ एबीसी एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, कुछ की पॉइंटर्स है जो आपको एग्जाम के पहले याद रखने हैं। सबसे पहले सर हम लोग प्रिपरेशन कैसे चालू करें, तो आपका सिलेबस दो पार्ट में, एक तो एसे बेस्ड चैप्टर्स है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और कुछ नॉन एसे बेस्ड है। वो नॉन एसे बेस्ड तीन चैप्टर्स है, आप इसको ध्यान में रखना सबसे पहले। इसके अलावा मैंने मेरे एंड से तीन कैटेगरी में आपके चैप्टर्स को बांटा है। लाइक अगर आप कैटेगरी ए एबीसी एनालिसिस देखोगे तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 11 ये सब जो चैप्टर्स है ना इंक्लूडिंग 7, ये आपके कैटेगरी ए के चैप्टर्स है। इनमें आपको क्वेश्चन पेपर में कम से कम 60 से 65 मार्क्स के क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप सबसे पहले इनको उठा के खत्म कर देना। नेक्स्ट है कैटेगरी बी में, मैंने दो चैप्टर्स को रखे हैं जिनका नाम है चैप्टर 8 और चैप्टर 10, बैंक ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट वाले। दोनों अच्छे चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर हैं, और इनमें भी 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। थर्ड कैटेगरी सी चैप्टर, अच्छा इनका इंपॉर्टेंस कम नहीं है बट ये बहुत लेंदी है, जैसे आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 5 और चैप्टर 9 अदर एंटिटीज वाला, ठीक है। दोनों में से आपको 30 मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस हमने ऐसे किया, आप इसके हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम में जाने के पहले आपको कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उन क्वेश्चंस को चालू करना जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी है, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। 20 से 30 मार्क्स अगर आपने वहाँ से अच्छे से बना लिया तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको एग्जेम्पशन के ऊपर स्कोर करना है तो एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो एमसीक्यू पूरे 30 मार्क्स के अच्छे से बनाना, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। दो तीन इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी आएंगे, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छे से बनाना। कुछ टफ और थोड़े हार्ड एमसीक्यू लग सकते हैं केस स्टडी में, लेकिन अगर आप दिमाग से बनाएंगे सब चीज़ें हो जाएगी। इसके अलावा आईसीआई का सर अभी हम लोग जब रिवीजन कर रहे हैं तो सर एक ही चीज़ याद करें क्या, वो पॉसिबल नहीं है। 1 या 1.5 डेज में सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो आप कीवर्ड्स रिमेंबर करो, कीवर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करोगे, आईसीआई आपको अपने आप मार्क्स देगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपसे नहीं बन रहे, या आपको ऐसा लगता है कि पेपर देख के एकदम से आप ब्लैंक हो जा रहे हो या चीज़ें रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, पैनिक नहीं होना। अब बस शुरू के 10-20 मार्क्स से क्वेश्चन लिखना चालू करना, अब अगर एक बार चालू कर दोगे तो चीज़ें अपने आप वर्क करेगी और सब बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लिखना चालू करना, 15-20 मार्क्स अगर आपके एक बार अच्छे बन गए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छे से आगे पेपर बनाना। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।